हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री मिनट्स। द क्वेश्चन नाउ अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.35। द क्वेश्चन इज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl 2KO CaCl 2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन CaCO3 सॉलिड प्लस 2 HCl एक्वस गिव CaCl 2 एक्वस प्लस CO2 गैसेस प्लस H2O लिक्विड। व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml of 0.75 m HCl। तो क्वेश्चन में हमें रिएक्शन गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और इसमें हमें पूछा है कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिक्वायर्ड है जो 25 ml 0.75 m HCl से रिएक्ट करेगा। सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। आंसर to exercise question 1.35। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन गिवन है, और रिएक्शन क्या है CaCO3 plus 2 HCl aqueous gives CaCl2 aqueous plus CO2 gaseous plus H2O लिक्विड। तो ये है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसमें हम देख रहे हैं वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद टू मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गिवन जो मोलैरिटी एंड वॉल्यूम है HCl का, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पता लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ये हो जाएगा मोलैरिटी 0.75 इंटू वॉल्यूम 25 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10^-3। तो इसको हम 0.75 इंटू 25 अपॉन 1000 ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 मोल HCl रिएक्ट्स विद 1 मोल, सो दिस मच विल रिएक्ट विद हाफ ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ए सी ओ थ्री रिक्वायर्ड दिस विल बी 0.75 इंटू 25 अपॉन 1000 इंटू 2। So this we can solve as 40 now 0.75 upon 80 this we'll get now mass of CaCO3 this will be number of moles 0.75 upon 80 into molar mass that is 100 gram per mole, so this zero will be cancelled 4 and 5 and then we can cancel it as 1.25. so if we multiply this 0.75 with 1.25 we'll get 5, 7, and 9, 3 this will be 0.9375 gram. This much mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml 0.75 m HCl solution.